जलेबी और इमरती बनाना वास्तव में एक आर्ट है। इसमें हम जितनी बारीक डिजाइन बनाते हैं उतनी अच्छी लगती है ये। लेकिन इसे हम बिल्कुल परफेक्टली कैसे बनाएं, इसके सारे टिप्स मैंने आज इस वीडियो में शेयर किए हैं। और देख, इमरती के लिए हमने ये धुली हुई उड़द की दाल ले ली है, ये 2 कप ले ली है। और इसे हम अच्छे से 2 से 3 पानी से अच्छे से रगड़ करके धो लेंगे। दाल हमने धो ली है, अब इसे हम बड़े बर्तन में ले लेंगे। भिगोने के लिए हमेशा बड़ा बर्तन यूज करना है ताकि दाल को स्पेस मिल सके। भीग करके जब इसका साइज लार्ज होता है तभी ये सॉफ्ट बनेगी। तो छोटे बर्तन में हमें इसको भिगोना नहीं है। तो अब इसे हम पानी डाल करके ढककर 3 से 4 घंटा, यानी 3.5 घंटे भी भिगो सकते हैं, 4 घंटे भी भिगो सकते हैं, इतना ही भिगोना है। बहुत ज्यादा हमें नहीं भिगोना है, ज्यादा भिगोने से इसमें चिकनाहट आ जाती है। तो इसे हम 4 घंटे बाद देखेंगे। हमें ओवरनाइट भिगो करके नहीं रखना है, ये आज की रेसिपी की ट्रिक हो गई। तो 4 घंटे हो गए हैं हमारी दाल को भिगे हुए, अच्छे से ये भीग चुकी है। इससे ज्यादा हमें नहीं भिगोना है, इसको हम छलनी पर निकाल लेते हैं। इस तरीके से किसी छलनी पर लेकर के इसको पूरी तरह से हम झरा देंगे। हमें इसको पीसना है। पीसने के भी 2-3 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप परफेक्ट हलवाई जैसी इमरती आप घर पर बना सकें। और घर पर बनाते वक्त इमरती में क्या क्या दिक्कतें आती है वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तरीके से झरा लिया है, नीचे का पानी हम हटा देंगे। और इसे हमें इतना सूखा रहते हुए ग्राइंड करना है। और अगर मिक्सी जार आपका ऐसा है कि ज्यादा जोर नहीं ले पा रहा है तो फिर आप इसमें हल्का सा पानी का 1 से 2 चम्मच पानी डालते हुए इसकी पिसाई कर सकते हैं। और पिसाई इसकी हमें बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं करनी है, तो बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं करनी, हल्की दरदरी रखनी है इसको। भीगी हुई दाल है तो चिकनी नहीं होगी, ज्यादा चिकनी दाल होगी तो इमरती बनने में दिक्कत आएगी। तो इमरती जो हम घर में कोरी ऐसे बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कई बार बहुत ज्यादा चाशनी पी जाती है और उस पर एक जाली जाली सी बनती है, तो उससे हमें जलेबी जैसा टेक्सचर भी नहीं लगता है और इमरती जैसा भी नहीं लगता है, सिर्फ रस रस सा उसके अंदर आता है। जबकि हम बाजार से जब खाते हैं तो स्पंजी लगती है और मीठी भी लगती है। तो वैसे स्पंजी बनाने के लिए हम इसमें क्या करने वाले हैं वो आगे जाकर के आपको बताऊंगी। लेकिन जो टिप्स मैं अभी बता रही हूँ ये धीरे धीरे आप एक एक फॉलो करते जाएंगे, तो शुरुआत से अंत तक जो टिप्स हैं वही आपके इमरती को परफेक्ट बनाने वाले हैं। तो जो टिप्स मैंने बताए, कम भिगोना है और इस तरीके से सुखाना है और इसको हमें बहुत ज्यादा लगातार चलाते हुए नहीं पीसना है, इन बातों का ध्यान रखना है। तो अब इसको हम पीसेंगे। पीसने के लिए आप घर में छोटा वाला जार जो होगा उसे यूज करेंगे। ये भी रेसिपी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप बाजार से पिसवा रहे हैं तो आप पिसवा सकते हैं, लेकिन हम थोड़े सी बनाते हैं घर में तो उसके लिए हम छोटा जार ही यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और देखिए इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके दाल डालेंगे और अब इसे पीसेंगे। पीसने का भी तरीका देखेंगे। दाल को पीसने का तरीका भी हम देख लेंगे। हम सिर्फ इसको ये देखें, थोड़ी सी देर चलाएंगे और बंद करेंगे। लगातार अगर हम चलाएंगे तो दाल हमारी गर्म हो जाएगी और गर्म नहीं पाकर के ये चिकनी होने लगेगी, तो ये हमें नहीं करना है। और जब हमारा जार थोड़ा सा जोर मांगने लगेगा तब हम इसमें आवश्यकता अनुसार 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे। और जब तक पीस पाते हैं तब तक हम इसको इस तरीके से चलाते हुए पीसेंगे। पीसते वक्त देखिए साइड में इस तरीके से दाल इकट्ठी हो जाती है, तो इसे हम स्पैचुला से इस तरीके से बीच में करते जाना और इसे हम पीसेंगे। अब जब हमारी दाल देखिए इस तरीके से थोड़ी सी दरदरी हो गई है, तो अब इसको पीसने का तरीका तो हम वही रखेंगे लेकिन इसका जो टाइमिंग है थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। इसे थोड़ी देर ज्यादा चला करके और फिर पीसेंगे। तो देखिए दाल हमने पीसी है, बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं है तो दरदरी भी नहीं है, मध्यम हमने दाल पीसी है। इससे क्या होगा कि एकदम से हमारी दाल जो है चिकनी और एकदम से सॉफ्ट नहीं बनेगी, तो सॉफ्ट नहीं बनेगी तो ये स्टेबल बनेगी, स्पंजी बनेगी, अंदर से स्पंजी चाहिए। तो इसी तरीके से दाल को पीसना। और देखिए इसकी जो थिकनेस है वो भी इस तरीके की चाहिए, बहुत ज्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में दाल हमको नहीं पीसना वरना फिर हम इसकी जो डिजाइन है वो नहीं बनती है, और होल्ड होनी चाहिए इसकी डिजाइन, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से पीसते हैं। और इस मिश्रण को हम गरम गरम पीसते ही यूज नहीं करेंगे, थोड़ी देर हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे।
लेकिन इमरती बनाने के लिए हम दाल का जो भिगोने का प्रोसेस है और बनाने का जो प्रोसेस है वो एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि दाल को अभी रात को भिगो दिया और सुबह आपने पीसा है तो पूरी रात में वो फर्मेंटेड हो जाएगी दाल और उसमें एक अजीब सी स्मेल आएगी, उससे इमरती अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा ये कि दाल को पीस करके भी अगर आप हम कहीं और रखेंगे फ्रिज वगैरह में तो उससे भी इसके टेस्ट और खुशबू में फर्क आ जाता है। तो इसलिए आप जब भी ये प्रोसेस करेंगे हाथों हाथ करेंगे, ताजा बनाएंगे और ताजा पीस करके पूरा प्रोसेस करेंगे। तो इसे हम इधर फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। अब इस दाल को अच्छे से हमें फेंटना है। इमरती बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेहनत वाला जो काम है वो यही है कि हमें इसको अच्छे से फेंट करके फ्लफी बनाना है, जैसे दही बड़े के लिए हम फेंटते हैं, और इसको अच्छा बाइंडिंग मिले और स्पंजीनेस आए उसके लिए हम इसमें एक सीक्रेट चीज डालेंगे, वो है कॉर्नफ्लोर या अरारोट। मैं अरारोट डाल रही हूँ, हलवाई लोग भी अरारोट ही डालते हैं। तो 2 कप में हम 1.5 टेबल स्पून हम अरारोट डाल देंगे, इससे इसकी बाइंडिंग होगी और स्पंजीनेस आएगी। और इसमें हम डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे थोड़ा सा, और इसको हम हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे और खूब अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। और जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी हमारी फ्लफी बनेगी इमरती। ये आटे को हमें अच्छे से फुलाना इस तरीके से रगड़ रगड़ के। तो इसको बढ़िया 5 मिनट तक फेंटूंगी मैं। फेंटने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। और ये देखिए अभी इसकी जो फोम वाली स्थिति नहीं है, सिर्फ दाल दिख रही है, लेकिन जब हम इसको फेंटेंगे तो ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी मात्रा में। तो इसको मैं फेंट लेती हूँ। तो देखिए 2 से 3 मिनट 4 मिनट हो गए हैं इसको फेंटते फेंटते, और इसका जो वॉल्यूम है देखिए इसकी मात्रा बढ़ गई है, ये काफी फूल गई है। देखिए बिल्कुल थोड़ी थी जिसकी जगह ये हो गया। अब इसको परफेक्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बड़े बर्तन में या कटोरे में पानी ले लेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा सा घोल डाल के देखेंगे। ये देखिए ऊपर तैर रहा है, नीचे जाके बैठा नहीं है, इसका मतलब ये फेट चुका है। जैसे हम दही बड़े में चेक करते हैं वैसे इसमें चेक करना है। तो देखिए ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये डूबा नहीं है, पानी के साथ मिक्स भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो ये आटा है तैयार है। आटा देखिए फेटते फेटते काफी अच्छी मात्रा में हो गया है, ये वॉल्यूम इसका बढ़ गया है। पहले थोड़ा सा लग रहा था और जैसे जैसे हम फेटते वैसे वैसे ये दुगुना होता जाता है, फूलता जाता है। ऐसे ही हमें फुलाना है और कोशिश करें इसको एक ही डायरेक्शन में, एक ही हाथ से या किसी चम्मच से, वैसे हाथ से परफेक्ट होता है, हलवाई लोग भी हाथ से करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा दुकान पर जब बनाते हैं तो एक साइड में दूसरा कारीगर जो है हाथ से इस तरीके से फेट फेट के आटा तैयार करता रहता है। तो ये आटा देखिए बिल्कुल फूल गया है। फिटने के बाद भी हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये जो है ठंडा रहे, जितना ठंडा रहेगा उतनी अच्छी हमारी इमरती बनेगी, क्योंकि हम इसको कम टेम्परेचर पर बनाते हैं। कम टेम्परेचर बनाने पे ही हम इस पे डिजाइन भी बना पाते हैं और डिजाइन भी होल्ड होती है। अगर ये गर्म हो जाता है तो चिकनाहट हो जाती है, तो चिकनापन से डिजाइन होल्ड नहीं होती है। तो ये सारे कारण है, तो इसको हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। और ये ठंडा होता है तब तक हम अपनी चाशनी बना लेंगे इसके लिए। इसके लिए चाशनी बनाते हैं, उसमें दुकानदार काफी मात्रा में शक्कर लेते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो हम 1 1 किलो या आधा आधा किलो शक्कर से तो नहीं बना सकते। तो इसके लिए मैं 1.5 कप चीनी लूंगी और 3/4 कप में पानी लूंगी, कि हमें एक तार की चाशनी बनानी होती है। देखिए तो पानी कम रखा है क्योंकि गाढ़ी चाशनी होगी तभी हमारी इमरती इसमें होल्ड होगी। अगर हम जलेबी की तरह गीली चाशनी बना देंगे तो इमरती इसमें जाते हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, वैसी हमें नहीं चाहिए। तो इसको होने देते हैं। परफेक्ट कलर चाशनी में जब हम कलर डालते हैं तब आता है, तो थोड़ा सा हम ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे क्योंकि आटे में डाला है, पर आटा देखिए कितना भी हम करेंगे उसमें कलर लाइट हो जाएगा, फ्राई होने के बाद भी कलर थोड़ा लाइट हो जाता है, तो इसलिए हम चाशनी को ऑरेंज करेंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और उड़द की दाल की थोड़ी सी स्मेल आती है, उसे दबाने के लिए हम केसर और इलायची का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें खूब सारी इलायची, 5 इलायची कूट करके मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। और अभी इसको हम गाढ़ा होने देते हैं, हाथ से चेक करेंगे हम। अभी एक तार नहीं बना है इसमें। इमरती तलने के लिए हम फ्लेट
पेंदे का कोई बर्तन लेंगे, अगर तई है तो तई ले लें, नहीं तो इस तरीके का पेन सभी के पास होता है, ये लेंगे और इसमें हम तेल डालेंगे। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। इसमें हमें जलेबी डूबती है इतना ज्यादा तेल घी हमें नहीं रखना है, यानी हम जो तेल की मात्रा रखते हैं इसमें थोड़ी कम रखते हैं, क्योंकि हम जैसे हम डालेंगे फिर हम डिजाइन बनाएंगे, अगर इमरती पूरी अंदर से जाकर के डूब जाएगी तो फिर हम डिजाइन कैसे बनाएंगे। इसलिए सिर्फ तेल इसका बेस बने कि बेस पे हम डाल रहे हैं, क्योंकि फ्लोट करता है आटा, फ्लोट करेगा आटा, जब फ्लोट करेगा तो धीमे धीमे नीचे से फ्राई होता रहेगा, ऊपर हम डिजाइन बनाते रहेंगे। ये आपको पूरा मेथड समझ में आ गया कि हमने तेल कम क्यों रखा है। तेल कम नहीं रखेंगे तो गोल अंदर जाके डूबेगा, और गोल हमारा ऐसा है जो डूबेगा नहीं, तो इसलिए ज्यादा तेल हमें नहीं रखना है। इमरती को हम कपड़े से भी बना सकते हैं और किसी दूध की थैली से भी, लेकिन कपड़ा मैं इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि हर जगह कपड़ा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि काफी जो ट्रेडिशनल सिलाई करते हैं उन लोगों के पास होती है और हर कहीं आसानी से मिलती भी नहीं है वो कपड़ा। तो आप जो केक आइसिंग के लिए पॉलिथीन काम में लेते हैं, यही हम इसमें छेद थोड़ा मीडियम साइज का, बारीक नहीं थोड़ा सा मीडियम साइज का करके इसी से हम इमरती बनाएंगे। भी हमें बहुत तेज गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गर्म करना है, जैसे हम कचौरी के लिए करते हैं उससे भी कम गर्म हमें तेल चाहिए। चाशनी हमारी तैयार है और क्रिस्टलाइज नहीं हो, वैसे हम नींबू यूज करते हैं पर अभी हम नींबू नहीं यूज करेंगे, बस इतनी बनाएंगे। और देखिए हाथ से जब हम चेक करेंगे तो काफी गाढ़ी हो गई है और हल्का सा एक तार भी निकल रहा है, बस इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। और चाशनी हमें हल्की गुनगुनी चाहिए तो इसको हम साइड में उतार के रख देते हैं। तो मीडियम से भी कम हमारा तेल गरम है और इसमें हम हमारी इमरती बनाएंगे। ये काफी धीमे फ्राई होती है तो इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है, और ज्यादा गर्म तेल में भी हमें इसको डालना नहीं है। और अगर ठंडा होगा तेल थोड़ा तभी आप इसमें डिजाइन बना पाएंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से धीरे धीरे हो रही है ये, तो इनको होने देते हैं। और जो हो गई है इनको हम थोड़ा सा एक बार पलटेंगे तो ये थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी, तो मैं इन्हें निकाल लूंगी। और जो हो चुकी है फ्राई उन्हें मैं निकाल लेती हूँ। इनका तेल अच्छे से जला लेती हूँ, देखिए कितनी अच्छी बनी है और हल्की गुनगुनी भी हमारी चाशनी हो गई है। अगर ठंडी हो जाए तो हल्का सा हम इसको वापस गर्म कर लेंगे और इसमें हम डाल करके 4 से 5 मिनट ही रहने देंगे, ज्यादा देर इसमें लंबा नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर में चाशनी पी लेगी फिर उसके बाद हम इसको छलनी पर निकाल लेंगे। तो इनको हम छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। देखिए चाशनी से मैंने इस तरीके से बाहर निकाल करके इसको छलनी पर रख दिया, तो एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो नीचे निकल गई और ये देर थोड़ी सी देर में अच्छे से सेट हो जाती है और ये काफी स्पंजी है। और ये देखिए अंदर तक चाशनी भी गई है और ऊपर जैसी हमें चीनी की लेयर चाहिए वैसी लेयर भी है, अच्छी लगती है और ठंडी भी अच्छी लगती है। ज्यादातर तो इसको ठंडी खाई जाती है, तो रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं, इसे खीर के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही परफेक्ट बनी है ये। जरूरी रूप से उड़द का भोग पितरों को लगाया जाता है, उसमें आप इस रेसिपी को एक बार बना करके जरूर देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।